गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड सिक्स चैप्टर फाइव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए पढ़े थे हम। इसमें टाइप ऑफ सेपरेशन बताई थी मैम, कैसे कैसे टाइप में हम अलग कर सकते हैं चीज़ों को, हैंड कीपिंग, सीविंग, तो कैसे कैसे करके हम सब थ्रस्टिंग अलग अलग कैसे कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या है, सेंडिमेंटेशन क्या है, डिकंटेशन क्या है एंड फिल्ट्रेशन क्या है, वो पढ़ेंगे हम। नाउ समटाइम्स इट मे नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कॉम्पिटेंट्स ऑफ ए मिक्सर बाई विनोइंग एंड हैंड कीपिंग। फॉर द एग्जाम्पल देर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉयल प्रैक्टिकल्स इन राइस पल्सेस। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि कभी कभी होता है जो हम हैंड कीपिंग विनोइंग में सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई राइस में दाल में कंकर वगैरह रहते हैं या कोई मिट्टी वगैरह रहते हैं, उसको हम साफ करने में टाइम लगता है या कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं उसको, जैसे हम क्या करते हैं उसको पानी में डाल देते हैं, तो वो नीचे नीचे उसके मड वगैरह रह जाते हैं और अलग निकल जाते हैं राइस। देन व्हेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन ए मिक्सर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू द प्रोसेस इज कॉल्ड सेंडिमेंटेशन। अब सेंडिमेंटेशन क्या है, ये है सेंडिमेंटेशन, जैसे कोई पानी है, कोई मिट्टी वाला पानी आप लेके आओ, चाहे आप क्या करो एक गिलास में मिट्टी थोड़े से डाल के और पानी को घोल लो, और उसके बाद हम क्या करेंगे उसको थोड़ी देर रख लेंगे, थोड़ी देर रखने के बाद क्या देखेंगे, मिट्टी मिट्टी नीचे आ जाएगा और पानी ऊपर आ जाएंगे। अब इस तरीके को इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेंडिमेंटेशन। जो हम थोड़ी देर उसको रखें और नीचे नीचे जो उसके बॉटम सेक्शन में मिट्टी रह गए और ऊपर पानी जो आ गया उसको सेंडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द वाटर अलोंग इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। अब इसको हम क्या करें, ये जो मिट्टी मिट्टी जम गए थे उसको थोड़े से धीरे निकाल के दूसरे ग्लास में डाल दिए, दूसरे कंटेनर में डाल दिए, तो वो जो पानी साफ पानी हमारे पास दूसरी जगह में आ गया उसको क्या बोलते हैं, डिकंटेशन। लेट अस फाइंड ए फ्यू अदर मिक्सर दैट कैन बी सेपरेट थ्रू सेंडिमेंटेशन एंड डिकंटेशन। अब हम क्या करें इसमें, अब इसको साफ पानी को हम निकालने के बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे मिट्टी उसमें रह जाते हैं जो साफ नहीं होते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए एक मेथड होता है, जैसे डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टनर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जब ये पानी को हम अलग नहीं कर पाए तो हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर भी होते हैं उससे भी हम इसको अलग कर सकते हैं। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ए वाटर दैट वी यूज डू ऑल अपर्स ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर मे ऑल्सो बी मडी स्पेशली आफ्टर रेन्स। लेट अस सी इफ वी कैन सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इन सेवरल इम्प्योरिटीज लाइक सॉयल फ्रॉम द वाटर। अब हम अलग कैसे करेंगे उस मिट्टी के पानी को बता रहे हैं, तो हम क्या करें, स्मॉलर पोर्स ए फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर है हमारे आते हैं जिसको क्या कर सकते हैं, इसको कोन बनाने का भी तरीका होता है, कोन बना के फिर उस जो पानी को हम रखे थे उसको हम प्योर कर सकते हैं, छान सकते हैं। इस 5.9 में आपको बता रखे हैं कैसे फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं हम, कैसे बनाते हैं, और 5.10 में हमें बता रखा है कैसे इसको अलग कर सकते हैं पानी को। देन एवापोरेशन क्या होता है, एवापोरेशन आप सब भी जानते हो कि एवापोरेशन क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ वाटर इनटू इट वेपर इज कॉल्ड एवापोरेशन। इसको वेपर में चेंज करना, मतलब कोई पानी को हम गैसेस में चेंज करना, उसको एवापोरेशन करते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। देन वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम, नमक कहाँ से आता है ये पता है आपको, सी वाटर कंटेंट्स मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट, वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets hit by sunlight and slowly turns into water vapor. अब क्या होता है, जो salt water होते हैं वो क्या होते हैं, water vaporization evaporation होके ऊपर पानी जैसे निकल जाते हैं और लास्ट में नमक नमक जम जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, evaporation। evaporation करके हम क्या करते हैं, नमक भी निकल सकते हैं। Use of more than one method of separation
वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सर्स. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशेंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन द मिक्सर. इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन और दिस मेथड्स. अब इसमें क्या बता रखे हैं कि ये तो हम एवापोरेशन के बारे में पढ़ लिए कि कैसे ये वाटर वेपर मतलब हवा में चल जाते हैं और जो सल्ट सल्ट रह जाते हैं तो हम सल्टी वाटर से भी सल्ट निकाल सकते हैं. देन कंडेंसेशन क्या होते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फ्रॉम इट्स कॉल्ड कंडेंसेंस. तो कंडेंसेंस में क्या होते हैं, जो वाटर वेपर से जो लिक्विड फ्रॉम इज निकलते हैं उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंसेंस अंडर ए प्लेट दैट हैड बीन यूज टू कवर ए वेसल्स कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉयल्ड. जब भी हम दूध गर्म करते हैं उसमें कोई कंटेनर ऊपर अगर ढकते हैं, कोई कवर ए वेसल वेसल ढकते हैं तो उसमें है ना पानी के बूंदे आपको दिखने लग जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं. आफ्टर ऑल द वाटर हैज एवेपोरेट व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल. अब केटल में क्या रह जाते हैं, वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंडेंसेशन फिल्टरेशन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. देन इसमें कैसे कैसे तरीका से हम सेपरेट कर रहे हैं वो बता रखा है. अभी कभी भी किसी में मान लो कैन वाटर डिजर्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वाटर से कोई भी सब्सटेंस मिल सकते हैं क्या. इन चैप्टर फोर वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजर्व इन वाटर एंड फ्रॉम ए सोल्यूशन. वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर. वट विल हैपन इफ यू गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू फिक्स्ड क्वान्टिटी ऑफ वाटर. अब इस चैप्टर में हमें क्या बता रखे हैं, कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करने का क्या क्या टाइप्स है. जो मतलब हम अगर पानी अगर पानी और नमक को एक जगह मिला लेंगे तो हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं, मिट्टी को कैसे अलग कर सकते हैं, यही सब बता रखे हैं. जैसे एक्टिविटी 10 में बता रखा है, टेक टू ग्लास एंड पोर हाफ ऑफ ए कप ऑफ वाटर इन ईच ऑफ देम. एड ए टी स्पून ऑफ सॉल्ट टू वन ग्लास एंड स्टीर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व. गो ऑन एडिंग सॉल्ट वन टी स्पून एट ए टाइम टिल द सॉल्यूशन. देन रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पूंस ऑफ सॉल्ट द डिजॉल्व इन वाटर इन टेबल 5.2. नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ सुगर. रिपीट दिस विथ सम अदर सब्सटेंस दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर. कौन मतलब पानी के साथ घुल सकता है वो देखेंगे हम. वट डू यू नोटिस दैट टेबल 5.2. डू यू फाइंड द वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट्स. वी हैव डिस्कस ए फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस. सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर ऑल्सो यूज इन साइंस लेबोरेटरी. वी ऑल्सो लर्न दैट सोल्यूशन इज प्रिपेयर बाई डिजॉल्विंग ऑफ ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड. ए सोल्यूशन इज सेड टू बी स्टार्टेड इफ इट कैन डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस इन इट. तो इसमें क्या बता रखा है, कैसे हम सब्सटेंस को मिला सकते हैं और कैसे अलग कर सकते हैं, क्या टाइप है सेपरेशन के, ये बता रखा है. अब देन आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, आपके ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको असाइनमेंट में दे दूंगी. थैंक यू.